वेलकम बैक दोस्तों, मैं आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर जो है पूरी की पूरी सोलो कैंपिंग, वो खुद का टेंट पिच करना है। और अगर आपके पास इस तरह का कैंपिंग सेटअप हल्का सा अवेलेबल है तो आपको इस जगह को यूज करने के मात्र 200 रुपए पर पर्सन पर डे के हिसाब से पे करना है। ये देखिए अपनी रात की महफिल सज चुकी है, अपने जो छोटा सा घर है उसकी लाइटें जल चुकी है। अब अपन अपना शांति से बैठकर यहाँ पर डिनर करेंगे और इतना प्यारा मौसम हो रहा है, एकदम मजा आ रहा है। वेलकम बैक दोस्तों, मैं आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर जो है पूरी की पूरी सोलो कैंपिंग। और जिस जगह पर मैं आया हूँ वो है देहरादून से ऊपर हाथी गांव कर एक जगह है, और हाथी गांव के ऊपर है क्लाउड्स एंड करके एक जगह, वहीं पर ही 3-4 कैफेज है जो टेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। आप रेंट पर भी टेंट ले सकते हो और खुद का भी टेंट पिच कर सकते हो। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि मैंने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया और मैंने मेरे टेंट को भी पिच कर दिया है। आज सोलो कैंपिंग यहीं पर ही होगी। यहाँ पर एक भादराज करके भी टेम्पल है जो कहते हैं कि श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के नाम पर बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे एकदम ग्रीन एरिया है, बहुत खुला आसमान है, बहुत बड़ा एरिया है, ग्रीन पैच है पूरा का पूरा, जहाँ पर आप अपना टेंट पिच कर सकते हो बड़े मिनिमल चार्जेस के अंदर। और जिस प्रॉपर्टी के अंदर मैं खड़ा हूँ वो है वाइल्ड कैफे, जो एक रावत अंकल है उनकी प्रॉपर्टी है, जो यहाँ पर रेंटेड टेंट और खुद के टेंट लगाने की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। ये पीछे हिमालय की पहाड़ियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं उनके पीछे का। आप इस कैंपिंग लोकेशन से आप वहां का व्यू देखो, इतना शानदार व्यू है और खुला आसमान है एकदम, किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं है, सिक्योरिटी है। अंकल जो है रावत, जिनका रमेश रावत जो यहाँ रहता है, वो जिनका ये एरिया है वो यहीं पर ही रात को सोते हैं। खाने पीने की फैसिलिटीज भी यहाँ पर अवेलेबल है। सही में यार बहुत प्यारी जगह है, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठकर, एकदम खुला खुला आसमान, खुली खुली जगह, चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी। जिस जगह पर मैं बैठा हूँ वहां पर लंबा एक बहुत बड़ा ग्रीन गार्डन है, मेरे पीछे बहुत बड़ा गार्डन है। और मैंने यहाँ पर अपना टेंट सेटअप कर लिया है, गाड़ी का किचन खोल लिया है, थोड़ी देर में कुछ बनाएंगे यहाँ पर। इतनी अच्छी हवा चल रही है और मेरे पास में कुछ गाय घास खा रही है, उनके गले में घंटियां हैं, उन घंटियों की आवाज इतनी अच्छी आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा बादल हो गए थे लेकिन अभी वापस थोड़ी सी धूप आ गई, लेकिन धूप में घर में बिल्कुल भी नहीं है। अभी 4:30 बज गए हैं, थोड़ी देर में यहाँ पर शाम होके और रात हो जाएगी। उससे पहले अपन अपना डिनर जो आज बनाना है उसकी तैयारी कर लेते हैं। अगर आप अंकल की फैसिलिटीज यूज करते हो इस कैफे की तो आपको 800 रुपीज देने, जिसमें शायद खाना आपको इंक्लूड कर देते हैं। और अगर आपको आपको खुद का टेंट पिच करना है और अगर आपके पास इस तरह का कैंपिंग सेटअप हल्का सा अवेलेबल है तो आपको इस जगह को यूज करने के मात्र 200 रुपए पर पर्सन पर डे के हिसाब से पे करना है। तो मेरे हिसाब से आपको 200 रुपए में इतनी अच्छी जगह रहने को मिल जाए, कैंपिंग करने की जगह मिल जाए जो कि बिल्कुल सेफ है। अंकल रात को यहाँ पर ही उनकी दुकानें हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो आप पीछे देख सकते हो, अंकल रात को यहीं पर ही सोते हैं। तो अंकल ने बोला किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिक्योर है एकदम, किसी भी तरह का वाइल्ड एनिमल्स का भी यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। और 3-4 कैफेज है आसपास, उनके ओनर्स है वो यहीं पर ही सोते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो शाम हो गई है, थोड़ी देर में यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा, तो उस अंधेरे होने से पहले ही अपन अपना डिनर बनाकर खत्म कर लेते हैं ताकि जो यहाँ का नाइट का व्यू है उसको एंजॉय किया जाए। तो मैं अपना डिनर का प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ, आप जब तक देखिए टाइम लैप्स के अंदर, ठीक है। और आज मैं बनाने जा रहा हूँ राइस एंड दाल, तो देखते हैं किस तरह का बनता है। वैसे मुझे खाना बनाना आता है। यहाँ पर थोड़ी सी हवा चल रही है तो उसके लिए मैंने ये हवा को प्रोटेक्ट करने के लिए शीट लगा दी है ताकि जो लौ है वो प्रॉपर जलती रहे और जो दाल है, जो राइस बन रहे हैं वो जल्दी से बन जाए। सबसे पहले चॉपिंग कर लेते हैं, दाल के लिए प्याज और टमाटर दोनों की जरूरत है, वो दोनों काट लेते हैं। उसके बाद अपन दाल बनानी स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किसी भी तरह का कचरा ना हो, सारा कचरा इस
अपनी कॉली बैग में डाले तो वैसे मेरे पास एक चॉपर भी था जिससे वो जिसमें सारे छोटे छोटे पीस करके कर दो और खींचो तो सारा सब प्याज और टमाटर कट जाते हैं, लेकिन मैं लाना भूल गया जल्दी जल्दी के अंदर। तो कोई नहीं, अपन जैसे हाथ से काटते हैं वैसे काट लेते हैं टमाटर, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको काटने के लिए। आपको घंटियों की आवाज़ आ रही होगी, जो गाय यहाँ पर घास खा रही थी वो अभी बिल्कुल मेरे पास आ गई है। तो देखते हैं हमारे हाथ की दाल किस तरह से बनती है। आज बहुत टाइम बाद खाना बनाने का मौका मिला है। तेल का उबाल आना स्टार्ट हो गया है। अब उससे पहले जैसे तेल का उबाल पूरा हो जाता है, जो जीरा मैंने डाला है हल्का सा भून जाए, उसके बाद प्याज डालते हैं, टमाटर डालते हैं, इनको पकाते हैं, फिर दाल डालते हैं और सीटियां बजाते हैं। थोड़ा सा मसाला पका लेते हैं, जब मसाला से अच्छे से पक जाएगा उसके बाद जो भिगोई हुई दाल है वो इसके अंदर डाल देंगे और दो सीटी लगवा देंगे। मेरे हिसाब से उसमें सारा काम हो जाएगा। उसके बाद अगर दाल थोड़ी सी गाढ़ी रहती है तो मेरे पास वो घोटने के लिए, जिसे हम राजस्थान में बोलते हैं घोटनी, वो है, उससे उस दाल को थोड़ा सा पतला कर देंगे। वैसे तो दो बर्नर का गैस है और दोनों चीज़ें एक साथ बन सकती है, लेकिन अभी हवा इतनी तेज चल रही है कि ये जो शेड है ये रुक नहीं पा रहा है। तो मेरे हिसाब से पहले दाल में सीटी लगवा लेते हैं, थोड़ी दाल को उबाल लेते हैं, उसके बाद राइस बनने में कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो ये जो शेड है फिर ये दूसरे वाले में लगा देंगे। अंकल गायों को भगा रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि जो घास है ये बड़ी मुश्किल से यहाँ पर लगती है, इनको मेंटेन किया जाता है, तो अंकल नहीं चाहते कि घास खराब हो, ये गाय बार बार आकर घास को पूरा खा जाती है, तो अंकल इसीलिए इनको बार बार भगाते रहते हैं यहाँ से। लेकिन गाय भी गाय है, ये वापस आ जाती है घास खाने के लिए। तो भाई सीटी बननी स्टार्ट हो गई, मेरे हिसाब से थोड़ी देर में दो सीटियाँ बोल जाएगी और उसके बाद अपन इसी वाले स्टोव के ऊपर, बर्नर के ऊपर अपन चावल चढ़ा देंगे। चावल पकने में मेरे हिसाब से 20-25 मिनट लगेंगे, तब तक अपन रिलैक्स करेंगे। खाना बनाने का मेरा मकसद जल्दी इसलिए था ताकि अंधेरा, मतलब अगर होए उससे पहले अपन खा के अपना सारा जो सेटअप है वो पैक कर दें और जो नाइट का व्यू है उसको एंजॉय करें। कई बार ऐसा होता है कि खाना बनाने में पूरा टाइम निकल जाता है रात को और जो मेन मतलब एंजॉयमेंट होता है वो खत्म हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इवनिंग में अपन अपना खाना प्रॉपर बना लेते हैं और नाइट में आराम से बैठ कर खा लेंगे और उसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पर आसपास क्या है। अगर वॉकिंग डिस्टेंस पर कोई चीज़ है तो वो देखते हैं, नज़ारे देखते हैं यहाँ के और रात का व्यू देखते हैं किस तरह से आता है।
सिटी लग गई है, इसी हिसाब से अपन दो सिटी लगवा। फैमिली कैंपिंग के भी अलग मजे हैं और सोलो कैंपिंग के भी बहुत मजे हैं। सोलो कैंपिंग में थोड़ा सा एक्सपीरियंस और ज्यादा अच्छे से मिलता है कि किस तरह से आप अपना सारा काम खुद करो, वाइंड अप करो, और खुद को भी थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम मिल जाता है कि और हम एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं डेली रूटीन में हमारी लाइफ के साथ। बहुत कुछ सोचने को भी मिल जाता है, प्लस एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है नेचर को। तो मेरे हिसाब से दाल अपनी बन गई है, चावल पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक जो बिखरा सामान है इसको मैं वाइंड अप करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो यार फाइनली रात का डिनर बन चुका है, दाल और राइस सिंपल बना लिए। लेकिन अभी मेरे हिसाब से अंधेरा होने में बहुत टाइम बाकी है, मैं सोच रहा था कि जल्दी हो जाएगा तो उस बीच में कुछ तो खा लिया जाए। तो ये घर से पूनम ने पूड़ियाँ पैक करके दी थी कि रास्ते में ट्रैफिक के टाइम में या कभी इधर उधर रोक के लंच के टाइम में अचार के साथ खा लेना, तो वो अपने अभी काफ़ी बच गई है। तो मेरे हिसाब से जब तक रात नहीं होती है क्यों ना इन पूड़ियों को खाकर अपना थोड़ा सा आहार कर लिया जाए। जगह देखिए दोस्तों, इतनी शांति हो रही है, जंगली जानवरों की पीछे आप सुन सकते हो आवाज़ आ रही है, इतनी शानदार आवाज़ आ रही है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही सनसेट हुआ है यहाँ पर, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन इतना प्यारा व्यू हो रखा है यहाँ पे, एकदम सुकून शांति, किसी तरह की कोई भागदौड़ नहीं, किसी तरह की कोई शोर शराबा नहीं, एकदम शांति वाला एरिया। और दो चार लोग पास में हैं जो ओनर्स हैं यहाँ प्रॉपर्टी के, उसके अलावा कोई नहीं है। आपको आवाज़ सुनाई आ रही है? देखो अभी शाम हो गई है और यहाँ पर किस तरह का माहौल हो गया है। जो पेड़ों पर जो जानवर बैठे रहते हैं उनकी आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई है। जो अभी लैंड ओनर है उन्होंने बोला कि जैसे ही रात होगी ये सारी आवाज़ बंद हो जाएगी। चारों तरफ जंगल ही जंगल है और पीछे की तरफ आप देख सकते हो एकदम पहाड़ है, ऊँचे ऊँचे, ये बोल रहे हैं हिमालय के पहाड़ हैं। ये देखिए अपनी रात की महफिल सज चुकी है, अपने जो छोटा सा घर है उसकी लाइटें जल चुकी है। अब अपन अपना शांति से बैठ कर यहाँ पर डिनर करेंगे और इतना प्यारा मौसम हो रहा है, एकदम मज़ा आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पर सेटअप देखिए, हल्की सी छोटी छोटी लाइटें, और अभी अंधेरा होने वाला है, उससे पहले अपन अपना डिनर कर लेते हैं। अंकल बता रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ी देर बाद हल्की सी ओस गिरनी स्टार्ट होगी और वो बोल रहे हैं कि वो ओस इतनी खतरनाक है कि एक ही बार में बीमार कर सकती है। तो अपन होपफुली अपना डिनर ख़त्म करते हैं और फिर अपन घुसते हैं अपने टेंट के अंदर और फिर आराम करते हैं। जब तक डिनर करते हैं तब तक आप टाइम लैप्स का एंजॉय करिए। पहले मुझे लगा नहीं था कि इतनी ठंड होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। 21 डिग्री में भी ऐसा लग रहा है कि मतलब स्वेटर पहनने की इच्छा कर रही है, क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले ही यहाँ पर बारिश हुई थी और उस बारिश का असर है कि यहाँ पर ठंड है। और अगर आपको गाड़ी का कांच दिखाऊं तो उस पर ओस गिरनी अभी से स्टार्ट हो गई है। तो मेरे हिसाब से जल्दी से खाना ख़त्म करके ये वाइंड अप करके और टेंट के अंदर घुस जाना चाहिए। वैसे तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन अंकल बोल रहे हैं कि बीमार पड़ने से अच्छा है कि आप जल्दी अपने टेंट के अंदर चले जाना और स्वेटर पहन लेना। स्वेटर तो मैं लाया नहीं हूँ, तो मेरे पास फुल स्लीव्स की शर्ट्स है और दो चादर लेके आया था मैं, वैसे ही वो उससे आज काम चल जाएगा।
और वैसे अंकल ने बोला है कि उनके पास रजाइयां हैं, तो अगर जरूरत हो तो वहां से ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं रजाई की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। दोस्तों अपने डिनर का प्रोग्राम पूरा हो गया है, गाड़ी को भी जो भी किचन का सामान था वो सारा वाइंड अप करके अंदर पैक कर दिया है। तो फाइनली किचन को वाइंड अप करके गाड़ी को पूरा बंद करके पैक करके सारा सामान अंदर डालकर अपन आ गए अपने टेंट के अंदर। अब करते हैं सोने की तैयारी, क्योंकि आज फुल थकान हो गई है। बहुत लंबा सफर तय करके इस जगह पर आए, जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है, मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है। कल सुबह मिलते हैं आपसे, क्योंकि अंकल ने बोला है कि जो सामने जिस एरिया पे आप रुके हो, जिस एरिया में आपने टेंट लगाया है, उसके जस्ट सामने से सनराइज होगा और आप सनराइज देखना बिल्कुल ना भूलना। तो कल आपको मैं दिखाता हूँ इस जगह का सनराइज, और मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिएगा और हमारे चैनल बी फॉर भोजक को सब्सक्राइब करना जरूर भूलिएगा अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं। तो चलो मिलते हैं कल आपसे, गुड नाइट।